एवरीवन, आज हम सर्कल से रिलेटेड वर्कशीट 69 करेंगे 14 जनवरी की। तो आइए स्टार्ट करते हैं थ्योरम को जानते हुए। द एंगल सब्सटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एट द सब्सटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो यही थ्योरम पहले की थी। तो यहाँ पे बात की जा रही है पीओक्यू, एक पॉइंट है, ये डबल होगा किसके, पीएक्यू के। तो सपोज यहाँ पे हम ज्वाइन करते हैं पी एन क्यू को एक कोण पी क्यू से। तो इन द गिवन फिगर हम कह सकते हैं कि जो पी ए क्यू है, ये वाला जो है हमारा, ये क्या है, ये एंगल फॉर्म्ड हो रहा है पी ए क्यू पी से। तो पी ओ क्यू क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा पी सी क्यू के, किसके, पी सी क्यू के। यानी ये भी जो है ये किसका हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा सेंटर के। तो जब ये आधा हो जाएगा तो पी ए क्यू भी आधा हो जाएगा। तो जब दोनों आधे हो गए तो टू पी ए क्यू इंटू टू पी सी क्यू, ये टू से टू कट गया तो पी ए क्यू इज इक्वल टू पी सी क्यू हो गया, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी आ गया। तो हमने ये निकाला, देयर फोर जो एंगल होते हैं इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल इक्वल होते हैं। तो यही हमें यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। अब एक क्वेश्चन दिया गया है, एक फिगर पी क्यू आर में, पी क्यू आर 110 है, तो ओ पी आर निकालना है, ओ पी आर निकालना है। तो ओ पी आर हमारा 20 आ सकता है इसी तरह से। तो इस तरह से आप ये कर लेंगे। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। एक फिगर है जिसमें फोर पॉइंट्स है एक सर्कल पे, ए सी एंड बी डी। यहाँ पे बी सी 130 है और ई सी डी 20 है। तो इस तरह से आप बी ए सी को बी सी डी के इक्वल कह सकते हैं। तो जब ई डी सी प्लस डी ई सी प्लस ई सी डी, ये तीनों क्या कर देंगे, 180 हो जाएंगे। कौन कौन से, यहाँ फिगर में देख के समझते हैं, ई डी सी ये वाला, डी ई सी ये वाला और ई सी डी ये वाला। तो ये तीनों 180 हो जाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, दो गिवन है हमारे पास। तो ई डी सी प्लस 50 प्लस 20 180, तो ई डी सी 110 आ जाएगा। तो जब ई डी सी 110 है तो थ्योरम से सभी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, जिससे कि सभी कोर्ट्स के एंगल की वैल्यू एक हो जाएगी। तो ई डी सी इज इक्वल टू बी डी सी इज इक्वल टू बी ए सी, 110 हो जाएंगे सभी। अब एक फिगर है ए बी एंड सी, यहाँ पे थ्री पॉइंट्स है सेंटर ओ पे, जिसमें बी ओ सी 30 है और ए ओ बी 50 है। तो हमें बताना है ए डी सी। तो ए डी सी ये वाला, तो ये बहुत आसान है, पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 45 आएगा। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय।